आरती हिंदू धर्म ग्रंथों में भूत प्रेत पिशाच साकिनी डाकिनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी ब्रह्म राक्षस यक्ष भैरव बैताल कूष्मांड जलपरी आदि आदि करोड़ों तरह के प्रेत इस्लामिक ग्रंथों के अनुसार जिनी जिन्न जिन्नात खबीस मलंग आदि प्रेतों की चर्चा की गई। रुको रुको गाड़ी रुको गाड़ी रुको गाड़ी रुको पापा देखो ना वो घर कितना सुंदर है। ये कुलधारा है साहब। ये लोग कौन है? मेरे गांव वाले। भारत में यूं तो बहुत ही मशहूर और पुरातन महत्व रखने वाले शहर और कस्बे हैं, पर राजस्थान में स्थित कुलधारा जैसा कोई नहीं। जैसलमेर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये कस्बा भारत की चुनिंदा भूतिया जगहों में से एक है। कुलधारा एक वीरान कस्बा है जहां इंसान दिन में जाने से भी कतराते हैं। कुलधारा के आसपास से गुजरने वाले मुसाफिरों और यात्रियों ने वहां अजीब घटनाएं होने का विवरण दिया है। कुलधारा एक गांव है, 200-250 साल से पुराना पड़ा है। वहां पर भी अभी कोई रहता नहीं है। रात के टाइम को औरत जात मिनत जात जा को नहीं सके। लोगों ने कहीं टावर दिखे है, कहीं लुगाई दिखे है, कहीं मिन्नत दिखे है। इतना भूताड़ खौफ है, बोले बूढ़े रे सुने में तो, पर हची बात है। उस दिन हम जैसलमेर जा रहे थे। जैसलमेर हमारा आखिरी पड़ाव था। सभी लोग लंबी यात्रा के कारण थके हुए थे। सब जैसलमेर और कितना दूर है? बस एक घंटे का रास्ता हो रहा है। रुको रुको गाड़ी रुको गाड़ी रुको गाड़ी रुको। क्या हुआ बेटा? पापा देखो ना वो घर कितना सुंदर है। कोई गांव लगता है। बेटे ये जगह ठीक नहीं है। प्लीज अक्षरा जिद मत करो। यहाँ कोई चोरी चकारी का खतरा है क्या? साहब खतरा तो है मगर चोरों का नहीं। चलिए अब गाड़ी चलाइए। पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल कैसे खत्म हो जाएगा? आपने तो टैंक फुल कराया था ना। देखता हूँ मैं जाके। साहब पेट्रोल का पाइप लीक हो गया। क्या आप क्या करें? घबराइए नहीं मैम साहब, कोई ना कोई गाड़ी जरूर गुजरेगी, हम उससे मदद ले लेंगे। दूर दूर तक मुझे कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही है। कोई ना कोई गाड़ी तो जरूर आएगी साहब।
मुझे भी लगता है साहब कोई गाड़ी जल्दी आने वाली नहीं। मैं पैदल ही जाता हूँ और पेट्रोल का इंतजाम करके लाता हूँ, लेकिन तब तक आप लोग गाड़ी में ही रहिएगा। ठीक है। पापा, इतने में ड्राइवर अंकल वापस आए, क्यों ना हम गांव घूम ले? नहीं बेटा, ये गांव घूमने लायक नहीं है। क्यों, ऐसी क्या खराब बात है इस गांव में? मैम साहब, इस गांव में आने वाले लोगों को नुकसान होता है, इसलिए मेरी सलाह है कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ आप लोग गाड़ी में रहिएगा। रूपम, तुम्हें ये आदमी थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ मम्मी, रास्ते में पड़ने वाले सभी मंदिरों में पहले हाथ जोड़ते थे, फिर गाड़ी चलाते थे। बेटा उसमें क्या है, थोड़े धार्मिक नेचर के हैं। फर्स्ट पापा। हाँ बेटा। शायद बाहर कोई है। नहीं बेटा, कोई नहीं है। तो हाथ का निशान। बेटा शायद ड्राइवर का होगा। पापा, मुझे ठंड लग रही है। अरे क्या हुआ बच्चा? Just rub your hands, बेटा, rub your hands. You'll be fine, don't worry. रूपम, देखो ना वहाँ कोई लाइट नजर आ रही है, चल के देखे, थोड़ी मदद मिल जाएगी प्लीज। तन्वी, ड्राइवर ने हमसे क्या कहा था गाड़ी में बैठने के लिए? पर रूपम, अक्कू को देखो कितनी ठंड लग रही है, फिर ड्राइवर के आने तक वहीं रुकते हैं, चलो ना प्लीज। चलो ना पापा। बेटा मुझे भी नहीं पता, और चलो आगे देख के आते हैं। गाड़ी की गाड़ी, गाड़ी पे घोड़ा, घोड़े की दम पे जब आ रहा था, ला 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 ला। पापा, वहाँ शूट कर रहे हैं। बेटा कोई भी तो नहीं है, चलो देखते बेटा आ जा। दौड़ा 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 के दौड़ा। पापा, अब मैं वो घर देख के आती हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन आसपास ही रहना। ओके पापा। अब लग रहा है कि हम हॉलीडेज पर आए हैं। अक्षरा को बोलो आसपास ही रहे, ड्राइवर भी आते ही होगा। लकड़ी के काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के तुम पे जो मारा हत्ताड़ा। लकड़ी के काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के तुम पे जो मारा हत्ताड़ा। कौन है अंदर? कौन है?
कौन है अंदर? अक्षरा है, तुम्हारा क्या नाम है? लज्जू, तुम मेरी मदद करोगी? मैं? हाँ तुम। मेरे माँ बाबूजी को बोलो मैं ये गांव छोड़कर नहीं जाना चाहती। तुम्हारे माँ बाबूजी? पर बाहर तो कोई भी नहीं है, सारा गांव खाली पड़ा है। क्या कह रही हो, देखो सभी लोग तो गांव छोड़कर जा रहे हैं। रूपम, तुमने कुछ सुना? नहीं तो? मुझे ऐसे लगा जैसे कि अक्षरा ने मुझे आवाज दी हो। मैं एक मिनट को देख कर आती हूँ। कुलधारा के निवासी, हम ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। राजा की बुरी नजर गांव की बेटी पर है। अगर हमने पद्मा को राजा को नहीं सौंपा तो वो हमारा जीना हराम कर देगा, इसलिए हम ये जगह छोड़कर जा रहे हैं। क्या तुम मेरी ये गठरी उठाकर गांव की सीमा के पार छोड़ाओगे? बूढ़ी हूं ना, इतना वजन नहीं उठा सकती। एक्चुअली वो मेरी फैमिली वहां पर है। बेटा, तो मदद कर दो ना, बूढ़ी हूं। कौन हो तुम? पद्मा। पर तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि मेरी वजह से सभी लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। से अच्छा तो भगवान मेरी जान ही ले ले। ऐसा नहीं बोलते, पर किसके बारे में बात कर रही हो? Thank you.
ये लोग कौन हैं? मेरे गांव वाले। इन सब को रोक लो। तन्वी, ये तो तन्वी की आवाज है। माफ कीजिएगा, मुझे जाना होगा। मुझे ऐसे बीच रास्ते में छोड़ के कैसे जा सकती हो? तन्वी क्या हुआ? क्या हुआ तन्वी? क्या हुआ? हाँ, वो ड्राइवर सही कह रहा था। ये जगह में सचमुच कोई प्रॉब्लम है। हमें यहाँ से जल्द से जल्द निकलना होगा। तुम यहाँ अकेले कैसे? आपको किधर है? रूपा, मैंने आपको को बहुत ढूंढने की कोशिश की, वो कहीं नहीं मिली। क्या कह रही हो तुम? अक्षरा, 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 हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमें उस अकेला नहीं जाने देना चाहिए था। अब क्या करें रूपम? पता नहीं वो कहां भटक गई है। अक्को, लोगों ने भटकाना यही तो काम है कुलधारा का। आप लोग डरो नहीं, मैं आप लोगों की मदद करने आया हूँ। मारो नाम विराज। कुलधारा में अक्सर लोग रास्ता भटक जाते हैं, मैं उनको सही रास्ते तक पहुंचाता हूँ। आप लोगों की यहाँ पर किसी से मुलाकात हुई? कौन हो तुम? पद्मा। हाँ, मुझे एक लड़की मिली थी, वो कह रही थी कि उसकी वजह से लोगों को गांव छोड़कर जाना पड़ रहा है। आप शायद पद्मा की बात कर रही हैं। हाँ, यही नाम बताया था उसने। सच कह रही थी वो। एक बार राजा को पद्मा बहुत पसंद आ गई थी, वो पद्मा को हर हालत में पाना चाहता था। राजा के डर के कारण गांव वालों ने कुलधारा छोड़ दिया, तब से ये कुलधारा वीरान पड़ा है। पर ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से गांव वालों को गांव छोड़कर जाते हुए देखा है। आपने जो देखा है वो 400 साल पुरानी घटना का प्रतिबिंब था।
कुलधारा में उस घटना को अक्सर दोहराया जाता है। जितनी जल्दी हो सके आप लोग कुलधारा से चले जाइए। भाई साहब, हम भी यहाँ रुकने के लिए नहीं आए हैं, पर क्या करें, हमारी बेटी अक्षरा पता नहीं कहाँ गुम हो गई है। आप हमारी मदद कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप लोग हमारे साथ हैं। कुछ दिनों पहले दिल्ली से दो छोरे आए थे, दोनों इस कुलधारा में भटक गए। एक तो किसी तरह निकल गया, दूसरे का अभी तक पता नहीं चला। ये ड्राइवर भी ना पता नहीं कहाँ रह गया, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। ये पेट्रोल पंप कितनी दूर है यहाँ से? जरा थोड़ी दूर है। क्या वही है आपकी बेटी? अक्कू, अक्कू, ये मजाक का समय नहीं है बेटा, हमें यहाँ से जाना है। अक्कू, पापा आप कैसे ढूंढ रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ। मैं आप दोनों को कब से ढूंढ रहे हो? आप दोनों कहाँ चले गए थे? वो तो अच्छा हुआ लंबे मूंछ वाले अंकल ने बोला कि आप दोनों यहाँ हैं। लंबे मूंछ वाले अंकल? हाँ, क्या नाम बताया? हाँ, विराज। आप लोग डरो नहीं, मैं आप लोगों की मदद करने आया हूँ। विराज तो हमारे साथ था। ओह माय गॉड, रुपम प्लीज ड्राइवर को जल्दी फोन लगाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अजीब सी सब। रुपम, हम यहाँ एक मिनट नहीं रुक सकते, हमें यहाँ से जल्द से जल्द जाना होगा। चल, चल। रुपम, मुझे नहीं लगता कि ये जगह भी यहाँ से बाहर जाने देगी। ये जगह नहीं, इस गांव के रहने वाले लोग, ये लोग नहीं चाहते कि आप लोग ये गांव छोड़कर बाहर जाओ। मैंने इनको मनाने की बहुत कोशिश की मगर ये मानते ही नहीं। सांस लेने दो। कुछ दिनों पहले दिल्ली से दो छोरे आए थे, दोनों इस कुलधारा में भटक गए। एक तो किसी तरह निकल गया, दूसरे का अभी तक पता नहीं चला। चल, चल बेटा, चलो चलो जल्दी करो। शायद उस तरफ से आए थे। नहीं, हम उस डायरेक्शन से नहीं, इस तरफ से आए थे। नहीं मम्मी, बाहर जाने का रास्ता उधर से नहीं, यहाँ से। नहीं, I'm sure हम लोग इधर से आए थे। चलो, मेरे साथ चलो, चलो।
छोड़ गए तुम आगे। मैंने मना किया था ना आप लोगों को, आप लोग नहीं माने। अब चलिए यहाँ से, पीछे आ रहे, चलिए यहाँ से। हमने किसी तरह भाग के अपनी जान बचाई। ड्राइवर ने वक्त पे पहुंच के हमें कुलधारा से बाहर निकाल लिया। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। आगे जो कुछ भी हुआ उसे मैं कभी भी भूल नहीं सकता। भीड़ क्यों लगी है? साहब आप लोग बैठिए, यहाँ मैं देख के आता हूँ। पेट्रोल लेने जा रही हो तो सामने से ट्रक आए हो और यहाँ पे उड़ा दियो। मरने से पहले तड़प तड़प के बोल रहे हो। कुलधारा में एक परिवार फंसा है जिसकी इसने मदद करनी थी। किया था ना आप लोगों को, पर आप लोग नहीं माने। अब चलिए यहां से। इतनी भीड़ क्यों लगी है? साहब आप लोग बैठिए, यहां मैं देख के आता हूं। राजस्थान का गांव कुलधरा कई सौ सालों से अपने माथे पे एक अभिशाप ढोए जा रहा है। कहा जाता है कई सौ साल पहले राजा सालिम सिंह, जो वहाँ का रूलर था, वो कुलधरा गांव के पालीवाल ब्राह्मणों की लड़कियों को उठा के ले जाता था। पालीवाल ब्राह्मणों में इसका बहुत आक्रोश था। एक रात उन्होंने सबने मिलके इस गांव को अभिशापित किया कि यहाँ पे कोई जिंदा इंसान टिक नहीं सकता, अगर यहाँ बसेंगी तो सिर्फ आत्माएं। कुलधारा में वास करने वाली आत्माओं की मुक्ति या मोक्ष कभी मिलेगा या नहीं, और मिलेगा तो कैसे? जो अधूरी इच्छा लेके मरे हैं, तड़पते हुए लोग मरे हैं, उनकी आत्माएं मोक्ष किस विधि प्राप्त कर सकती है? वह हमेशा ही भटकेगी। कुलधारा एक श्रापित गांव है। पालीवाल ब्राह्मणों ने कड़ी मेहनत करके कुलधारा को बसाया था, पर एक सनकी राजा की वजह से उन्हें गांव को रातों रात छोड़ना पड़ा। जाते जाते ब्राह्मणों ने इस गांव को श्राप दिया कि ये गांव फिर कभी नहीं बस सकता। आज तक इस श्राप का असर है और ये श्राप यहां आने वाले इंसानों को भी अपनी चपेट में ले लेता है।